बेटा देवा, तुम यहीं पर बैठकर खेलो। ठीक है पापा। मैं यहीं काम करता हूँ, ठीक है? ठीक है। आपका माल लोड हो रहा है। अरे जल्दी करो यार, अरे माल लोड करो आप टेंशन मत। अरे यार जल्दी करो यार। जल्दी करो, फटाफट लौट करो। अरे यार ये पुट्ठा बुढ़े दीनदयाल, इस उम्र में बैठकर खाओ, क्यों अपनी जान जोखिम में डालने चले आते हो? क्या करूं मुंशी जी, एक छोटा सा बेटा जिसके सहारे में जिंदा हूं, आज से 10 साल पहले मेरी पत्नी मर गई, अब मैं किसी बेटे के सहारे जिंदा हूं और मेरा कोई भी सहारा नहीं है। हे राम, पॉकेट का पैसा मिलता है, आराम करो, जाओ काम करो। हाँ हेलो सेठ जी, आ रहे।
मर गया। अरे मर गया सर, अरे मर गया सर। मेरे पापा को कोई बचाओ, पापा को कोई बचाओ, मेरे पापा को कोई बचाओ, पापा, पापा। लगता है बुढ़िया मर गया। पापा आपको कुछ नहीं होने देंगे। भागो 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 भागो। पापा पापा आपको कुछ नहीं, कुछ नहीं, पापा। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। मुझे डॉक्टर के पास ले चलो भैया। काम हो जाएगी। कितना भेजवाना? 1 लाख। हाँ हो जाएगी। ओके वेलकम। हेलो, हाँ वो कारखाने की? अरे हाँ यार डीलिंग हो जाएगी कल तक। हाँ कल तक हो जाएगा। हाँ वेलकम। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। 100 मजदूर का पैसा अभी तक नहीं मिला है। क्या कब मिलेगा सर ये बताइए हमको। 100 मजदूर का पैसा नहीं मिला? बस एक मिनट। हेलो हेलो, कहाँ मोहन जी? अभी तक 100 मजदूर का पैसा नहीं मिला? मिल जाएगा सर। कब मिल जाएगा? कल मिल जाएगा सर। कल मिल जाएगी? ओके ओके कल मिल जाएगी, आप जाइए। चलते हैं सर। मेरे पास तो सब कुछ है, गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, सब कुछ है। ये क्या चीज की कमी है? हमको पीने से कोई नहीं रोक सकता, हम इसी तरह पियेंगे। छोटा तुम्हें समझ नहीं आ रहा? तू अपने बाप के सामने शराब और सिगरेट पी रहे हो? पी रहे हैं तो क्या दिक्कत? आपको क्या प्रॉब्लम है इससे? हम पिएंगे, दारू भी पिएंगे, सिगरेट भी पिएंगे, जो मन करेगा वो पिएंगे। तुम तो मेरा नाम खराब कर रहे हो, मिट्टी में मिला रहे हो। घर से बाहर निकलते हैं तो मुझे मेरे मुंह पर थूकता है कि तुम्हारा बेटा शराब पीता है, सिगरेट पीता है।
घर से तुम निकल जाओ। तुम्हारा ऐसा बेटा मुझे नहीं चाहिए। मेरी नजर से तुम दूर हो जाओ। नलायक कह के नहीं जाना है घर से हमको। निकलना है तो आप निकलिए, इसमें मेरा भी हिस्सा है। ये दादा का संपत्ति है, आपका नहीं है। मैं नहीं जाऊंगा इस घर से। जाना है तो आप जाइए। मुझे पता था ये दिन मुझे देखना पड़ेगा कि बेटा बाप को घर से निकालेगा। नहीं रहना है मुझे इस घर में। तुम ही रहो, मैं जा रहा हूँ। और एक दिन तुम तरसोगे मेरे लिए। अब जाइए यहाँ से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो मुझे पीना है और जीना है। अब तो ये सारा घर हमारा है। मेरा दोस्त, आपका लाख लाख शुक्रिया है भगवान। जब कोई ना हो अपना सिया राम जपा करना। जब कोई ना हो अपना सिया राम जपा करना। म्यूजिक बाय शुभम राज। संसार के लोगों से आशा न किया करना। 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 जब कोई न हो अपना, जब कोई न हो अपना सिया राम जपा करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना। जब कोई न हो अपना सिया राम जपा करना। जब कोई न हो अपना सिया राम जपा करना। जब कोई न हो अपना
के समुंदर में तूफान भी आते हैं, वो डूब नहीं सकते जिन्हें प्रभु बचाते हैं। जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं, वो डूब नहीं सकते जिन्हें प्रभु बचाते हैं। प्रभु दौड़ के आएंगे, प्रभु दौड़ के आएंगे, उन्हें याद किया करना संसार के लोगों से आशा न किया करना। जब कोई ना हो अपना सिया राम जपा करना। जब कोई ना हो अपना सिया राम जपा करना। जब कोई ना हो अपना सिया राम जपा करना। अरे मत भूलो पगले ये देश बेगाना है, दुनिया में आए हो तुम्हें वापस जाना है। अरे मत भूलो पगले ये देश बेगाना है, दुनिया में आए हो तुम्हें वापस जाना है। माया के चक्कर से, माया के चक्कर से दिन रात बचा करना संसार के लोगों से आशा न किया करना। जब कोई ना हो अपना सिया राम जपा करना। जब कोई ना हो अपना सिया राम जपा करना। जब कोई ना हो अपना सिया राम जपा करना। जब कष्ट हो भक्तों को प्रभु को मंजूर नहीं, सारे कष्ट को हर लेंगे दुख आएगा न कभी। जब कष्ट हो भक्तों को प्रभु को मंजूर नहीं, सारे कष्ट को हर लेंगे दुख आएगा न कभी। भगवान को आता है, भगवान को आता है भक्तों पे दया करना संसार के लोगों से आशा न किया करना। जब कोई ना हो अपना सिया राम जपा करना। सिया राम जपा करना, सिया राम जपा करना। जब कोई ना हो अपना सिया राम जपा करना। लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ, लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ। हाँ
दारू पीना शुरू कर दिया। ये तो दादा दिखाई दे रहे, वो भी दो दो दादा। ये क्या हो गया? हे भगवान, तुम वहाँ क्या कर रहा था? कुछ नहीं दादा, दादाजी। कुछ कैसे नहीं? तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है, आंखें तुम्हारी बता रही है कि तुम नशे का सेवन किया है, और कहता है कुछ नहीं। बदतमीज का हिसाब तुझे दिखाई नहीं देता? दादाजी दिखाई तो दे रहा है, लेकिन आप दो दो दिखाई दे रहे हैं। अभी बूढ़ा नहीं हूँ, मेरे भुजाओं में अभी भी ताकत है। इस डंडे से मार मार के तुम्हारी हालत खराब कर दूंगा। ने तो मार के मेरा पाँच पुर्जा ही हिला दिया है। मेरा तो सारा नशा ही उतार दिया उसने। भूख लगा है मुझे, भूख मारेगा कुशवा का यज्ञ है, न तोड़ना। मैं खाऊंगा। मत मारो पत्थर, मारेगा। हेलो, पास ट्रक में माल लोड हो रही है। हाँ पहुँच जाएगी, पहुँच जाओ। ओके। अरे यार पूरे बढ़िया से भरना यार। Bye.
हे भगवान, कैसा जमाना है, मुझे सब पागल पागल कहता है। अरे मैं पागल थोड़ू, मुझे तो घर से मेरा बेटा भगा दिया है, जो कि मैं तो दर दर रो रहा हूँ, भटक रहा हूँ। हे भगवान, क्या बात है, मुझे सब पागल कहता है। से मरने भी नहीं दे रहा। लगता है साला इसको गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया है। इस साला मरने आया है। साले को मरने नहीं देंगे, मरने देंगे साले को। मरने नहीं देंगे, मरने नहीं देंगे। ऊपर वाले कहते हैं मरने नहीं देंगे। बेटा कहीं चूर तो नहीं लगा? तुम क्यों मरने के लिए जाते थे? क्या हुआ तुम्हें? अरे तुम दुनिया में क्या देखा है? दुनिया में बहुत कुछ करना है बेटा तुम्हें,
क्योंकि आत्महत्या मत करो बेटा, बहुत कुछ दे, मेरे पास एक बेटा था, मैंने बहुत कुछ उसे दिया, गाड़ी दिया, बंगला दिया, घर दिया, कह रहे अपने बेटे को बड़े बड़े स्कूल में पढ़ाए, लेकिन आज मेरा बेटा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। क्या बोला तुम? तुम्हारी इस दुनिया में कोई नहीं है? हमें जिसके ऊपर कोई नहीं उसके ऊपर भगवान है, भगवान है, भगवान है। एक पापा था, वो भी बचपन छोड़ के चला गया। मैंने क्या नहीं किया अपने लाइफ के लिए, ट्रकों पे घूम घूम के पापड़ बेचा, होटलों में जूठा बर्तन धोया, और इतनी मेहनत करके मैंने अपने लिए इतना बड़ा बिजनेस किया, वो 20 बर्बाद हो गया। मरने जाऊं तो क्या करूं? क्यों रोका मुझे? मरने देते मुझे? इस दुनिया में कौन किसका है? कोई किसी का नहीं है। मेरा बेटा जब अपना नहीं हो सकता है तो तुम्हारा कौन होगा? मैंने बहुत बड़े बड़े स्कूल में पढ़ाए लिखाए, अफसर बनाए, वो हमारा नहीं हो सका, तुम्हारा कौन होगा? कोई भी नहीं हो सकता है, सिर्फ एक भगवान है ऊपर में। बोलो तुम्हें कितना रुपया चाहिए? लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़, बोलो तुम्हें कितना पैसा चाहिए? लो, मैं तुम्हें चेक करके देता हूं। जाओ, 1 करोड़ रुपए दिए तुम्हें, जाओ बड़े बड़े बिजनेस करो, जब भी जरूरत पड़े तो इस पागल के पास आ जाना, मैं यहीं पे हूंगा, खोज लेना। ये तो 1 करोड़ का चेक, इसके पास इतना पैसा कहां से आया? ये तो पागल है। हेलो। हेलो सर, मुझे आपसे कुछ डीलिंग करनी है। क्या डीलिंग करना है? 5 से 10 लाख तक की डीलिंग करनी है आपसे। आप बिल्कुल 110% हो जाएगा। माल कहाँ भेजवा दें? मैं करूँ मुंबई में। ओके ओके, कैश या चेक? सर चेक में होना चाहिए। ओके ओके, थैंक यू सर, वेलकम। हटो नहीं यार, मेरा गाड़ी पचक गया। क्या यार, गाड़ी पे थोड़ा खराब हुआ था, तुम्हारा गाड़ी पचक गया? ऐसे खराब हुआ तो क्या हो गया, गाड़ी तुम्हारा खराब हो गया? गजब करते यार, 10,000 से 2-3 गाड़ी खड़े कर सकता हूँ। तुमको क्या लगा कि मैं मतलब ऐसे ही हूँ? तुम्हारी गाड़ी पकड़ा, मेरे पास कुछ नहीं है। अरे हट। अरे यार जान, तुझे रोकता कौन है?
हाँ हो जाएगी। नमस्ते सर। ये अपना घर बेचना चाहता है। घर बेचना? सर मैं अपना घर बेचना चाहता हूँ। घर बेचना? घर तुम बेच रहे हो या तुम्हारे पिताजी? मेरे घर का मालिक सिर्फ मैं हूँ, मेरे सिवा कोई नहीं है, इसलिए मैं उसे बेचना चाहता हूँ। हाँ सर, घर का यही मालिक है, इसका कोई नहीं है। उस घर की कीमत 1 करोड़ रुपया रखा हूँ। 1 करोड़? उस घर की कीमत? पहले ही घर जाके दुखूंगा, उसके बाद फिर क्लियर करूंगा। कल 10 बजे आ रहा हूँ। ओके ओके। पागल लग रहा है। ये तो वही आदमी है जो मुझे चेक दिया था, इसे मार क्यों रहा है? आप लोग इसको मार क्यों रहे हैं? ये बच्चा चोर है, बच्चा चोर, बच्चा चुरा रहा था अभी। हाँ, ये हमको पकड़ रहा था। ये ऐसा आदमी नहीं हो सकता, बहुत अच्छा आदमी है, हम इसे जानते हैं। कैसे जानते हैं इसे? ये हमारे लिए भगवान है। ये आदमी कैसे अच्छा हो सकता है? ये तो बच्चा चोर है, इसे तो और मरना चाहिए। आज मैं जो भी हूँ, मैं इनके वजह से हूँ। अगर ये नहीं रहता शायद मैं अभी कहाँ रहता, मुझे खुद नहीं पता। ये ऐसा नहीं कर सकता है, इसको हम बचपन से जानते हैं। ये बहुत अच्छा आदमी है, ये तो पागल हो गया। ये किसी भी बच्चा को देखता है, ये अपना बेटा नजर आता है। ये वैसा आदमी नहीं है, इसे छोड़ दो। ये वैसा आदमी नहीं है जैसा तुम समझते हो। जानते हो बाबा, ये किसी बच्चों को देखता है ना, उसमें उसका अपना बेटा नजर आता है, इसलिए तुम्हें अपना बेटा समझ के पकड़ लिया। ओके ठीक है बाबू, जाओ। ठीक है जा रहा हूँ। आज ये घर मेरा बिक जाएगा। अरे अभी तक आया नहीं है, 10 बजे आने वाला था वो।
अरे टेंशन मत लीजिए, दूसरा को भी बोल दिए, वो भी आता होगा। 10 बजे टाइम दिए, 10 बजे आएगा। 10 का बजने वाला है। हाँ आ जाएगा, कुछ देर वेट कीजिए। नमस्ते सर। नमस्ते। आइए 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 आइए, घर देख लीजिए, आइए। इस घर की कीमत 1 करोड़ है, 1 करोड़ है। दो करोड़। इस मकान का 2 करोड़ एक, 2 करोड़ 2। करोड़ 1। मेरा घर बिक जाएगा, बचा लीजिए सर आप। कुछ नहीं, बिक जाएगा। 3 करोड़ 2, 3 करोड़, 5 करोड़। भगवान मेरा घर अब बच जाएगा। आज पापा पहुंच गए। क्या हमारे पापा है? हाँ। 5 करोड़ 1, 5 करोड़ 2, 5 करोड़ 3, फाइनल। ओ सेठ हाथ से निकल गया, हाथ से चला गया आज ये प्रोजेक्ट। कोई बात नहीं। ये लो पैसा, इसमें 5 करोड़ रुपए। तुम्हें जो करना है करो, तुम्हें पैसे का बहुत जरूरत है ना। तुम्हें परिवार नहीं चाहिए, तुम्हें सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा। तुम्हारे लिए मैंने क्या क्या नहीं किया रे। दोस्त मैं तुमको समझा रहा था कि तुम ये काम मत करो, फिर भी तुमने ये किया, हमको बहुत अफसोस हो रहा है। क्या कीजिएगा, अभी का समय ये खराब है, सब बेटा नलायके निकल जाता है, इसी तरह दुनिया गुजर रहा है। आदमी घर खरीदता है, ये बेकूफ घर बेचता है, आखिर पैसा लेके करेगा क्या, रहेगा कहाँ। आ भगवान, आज ये मेरा दोस्त नहीं रहता, आज मेरा ये घर नीलाम हो जाता, मेरा बेटा जुआ जंग शराब कोरक टिकिया खा के बर्बाद रहते हैं। लो पैसा लो। पापा हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, पापा पापा अब नहीं होगा पापा, पापा बहुत बड़ी गलती होगी पापा, अब क्या नहीं होगा पापा। मुझे पैसा वैसा नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए पापा, मुझे आप चाहिए पापा। पापा बहुत बड़ी गलती होगी पापा। लीजिए सर ये अपना पैसा, सर आप नहीं रहते तो आज मेरा घर नीलाम हो जाता। आजकल के युवा को देखिए क्या हो गया है, दुनिया में जो है बाप बेटा का नहीं होता है, और देखिए ये बेचारे के साथ क्या हाल किया है, जो कि बेटा जमीन घर सब कुछ बेच रहा था। एक बाप जो है अपने औलाद को पालने के लिए क्या नहीं करता है, पूरा ऊर्जा लगा देता है, और वही बेटा जो है नालायक जब निकल जाता है तो बाप को घर से बाहर कर देता है जो है। क्या जमाना है यार, देखो कि एक बेटा जिसको पाला पोसा, जिसको जवान किया, उनके उनको हर खुशी दिया, और वो पिताजी को अपने घर से निकाल दिया, भगा दिया। यार कहाँ का इंसाफ है, आखिर ये युवा कैसे सुधरेगा। तो हम लोग इस फिल्म में ये दिखाया है
कि आजकल जो ये हो रहा है और अपना सारा चीज बेच लेता है, जमीन जगह घर द्वार, और उससे कोई फायदा नहीं है, उसे बस नुकसान है, बस नुकसान है। उस पैसे को बेचकर कुछ ना कुछ गलत उपयोग, जैसे कि दारू जुआ जंग शराब ये सब करके और पूरा बर्बाद कर देता। और ऐसा समय आता है कि उनके पास खाने के लिए फूटी कड़ी नहीं होती है, जिस वजह से एक हमारा डायलॉग है, नशा नाश कर देगा, फिरोगे दाने दाने को, कटोरा हाथ में होगा और कोई ना देगा खाने को।